नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। विद्यापति नगर में 7 दिवसीय राज मिस्त्री का प्रशिक्षण हुआ समाप्त, दिए गए प्रमाण पत्र। खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से आ रही है, जहां प्रखंड के अंतर्गत विद्यापति +2 विद्यालय दक्षिण के सभा कक्ष में मंगलवार को एक सप्ताह से चल रहे राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण समापन हुआ। प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में चल रहा था। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले राजमिस्त्री को प्रति बैच 30 अनुभवी राजमिस्त्री प्रशिक्षण में भाग लिए, जिन्हें प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र एवं 700 रूपए की दर से एक सप्ताह का 4,900 रूपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही एक टूल किट तथा एक सेफ्टी हेलमेट भी प्रदान किया गया। चेक प्रदान करते हुए CEO अजय कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारियों का इस्तेमाल व्यवहारिक रूप से करें, ताकि भूकंपरोधी भवन का निर्माण हो सके। गुणवत्तापूर्ण भूकंपरोधी भवन का निर्माण कम लागत में कराया जा सके। और उसी के समापन उपरांत इन लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, उसी का प्रमाण पत्र भी दिया है। साथ में ये 7 दिन जो यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं, सरकार के विभाग के तरफ से इनको 700 रुपये का रोज भी दिया, 2-3-4 सौ का चेक भी दिया। निश्चित ही राजमिस्त्रियों से बात करने से निश्चित ही लगा कि ये लोग इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं और ये लोग जमीन को आने वाले समय में क्षेत्र में जब काम के लिए जाएंगे तो क्या लगता है कि जो भूकंप रोधी मकान बना पाने में ये कुशल रहेंगे? प्रशिक्षण इनको दिया गया है, बहुत सारी जवाब देंगे। यहाँ के बनाने वालों पे भी निर्भर करता है, लेकिन राजमिस्त्रियों ने सुनिश्चित कराया कि ये अपनी प्रशिक्षण लिए उनका भरपूर फायदा लोगों को। सरकार का सर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है, भूकंप रोधी मकान निर्माण के ऊपर। तकनीकी जो भी जानकारियां थी वो राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण के द्वारा समझाया गया है, इसमें कि हम जब अपना भूकंप रोधी मकान बनाएं तो किस तरह का होगा। मेनली उसमें होता क्या है कि हम लोगों को ईंट फुला कर जोड़ना चाहिए, जो कि पहले होता था, अब नहीं होने लगा। कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, सरिया का जो इस्तेमाल कर रहे हों तो बैंड पर उसको एल करना चाहिए ढंग से। इन सब चीज़ों का इन लोगों को प्रशिक्षण कराया गया है। 7 दिनों का ये प्रशिक्षण था, गैर आवासीय। प्रतिदिन 700 रुपये के हिसाब से 4900 रुपये का आज चेक वितरण किया गया है सारे राजमिस्त्रियों को। टूल किट का एक थैला दिया गया है और सारे लोगों को सेफ्टी हेलमेट के साथ अभी सबको सम्मानित किया गया है CEO सर की उपस्थिति में। क्या लगता है कि 7 दिनों के जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, सारी जानकारी जो है सो उन लोगों को पूर्ण जानकारी मिल चुकी है? हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि जो भी राजमिस्त्री थे उन लोगों तक जितनी भी मोटी मोटी जानकारी होना चाहिए उन लोगों के पास, वो जानकारी देने का हम लोग पूरा प्रयास किए हैं। और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि अब जो है समाज में सुरक्षित भवन वो लोग बनाएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ इंजीनियर अरबाज आलम। समस्तीपुर से R9 भारत के लिए रत्नशंकर भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।